ग्राउंड जीरो से मैं आपके साथ शुभांकर मिश्रा, हम आपको बताएंगे यहाँ पर हर छोटी बड़ी अपडेट क्या है, क्योंकि आज यहाँ पर कई बड़ी खबरें आई हैं। तापमान जो है वो गिरा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बातचीत हुई है, जो दो हफ्ते का स्टे लगाया गया है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली में आपको बता दें, नगर निगम को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया गया है, साथ ही केंद्र सरकार को भी हलफनामा देने के लिए कहा गया है। दो हफ्तों को लिए यथास्थिति बरकरार रहेगी। डेलीगेशन कांग्रेस का यहां पर आ रहा है। बहुत सारी घटनाएं हैं जो यहां पर हो रही हैं। आज मौसम भी बदला है, बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं शुरुआत में कि आज यहां पर क्या कुछ होता है और कैसे यहां पर सियासी तापमान बढ़ा है, तो वहीं बुलडोजर ऑपरेशन पर लगाम लगी है अगले दो हफ्ते के लिए। जहांगीरपुरी टकटकी लगाए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा था, सोच रहा था कि देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या आदेश आएगा, सोच रहा था कि केस नंबर 10 का क्या हश्र होगा, बुलडोजर की राह आगे भी रुकेगी या आगे बढ़ने का आदेश आएगा। दारुमदार सुप्रीम कोर्ट पर था और उसने जहांगीरपुरी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया, जहांगीरपुरी में फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में दो हफ्ते तक यथास्थिति बनी रहेगी। दो हफ्ते बाद जहांगीरपुरी पर दोबारा सुनवाई होगी, तो सुबह जहांगीरपुरी अपनी जगह पर खड़ा छिटका सहमा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहा था और दोपहर होते होते दो हफ्ते की राहत का पैगाम आ गया। कम से कम जो ऑथराइज दुकानें हैं उनको ना छेड़ा जाए। तो सर, ये जो निर्माण किया निर्माण किया वो लीगल है? हाँ, बिल्कुल लीगल है। जहांगीरपुरी सहित देश के कई शहरों में चल रहे बुलडोजर अब थम रहे हैं। दो हफ्ते तो कम से कम इनके पहिए बंद रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्य सरकारों को और दिल्ली में दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और उत्तरी दिल्ली नगर निगम को नोटिस देकर दो हफ्ते बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। इन दो हफ्ते में सरकार अपना हलफनामा दाखिल करेगी, जिसमें यह बताएगी कि उसकी कार्रवाई कैसे हर एक नागरिक के लिए बराबर है, हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आज दलीलों की जो दौड़ चली, उससे ये साफ हो गया कि जहांगीरपुरी मामले में मजहब का कितना अतिक्रमण हुआ है। याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने तीखे आरोप लगाए। उनका कहना था कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। नोटिस दिए बिना तोड़फोड़ शुरू हो गई। पहले बिना इजाजत शोभा यात्रा निकली, फिर दंगा भड़का। दंगा भड़कते ही बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया। बीजेपी के नेता के खत लिखते ही तोड़फोड़ शुरू हो गई। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली नगर निगम, दिल्ली पुलिस और राजनीतिक दलों की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था कि जंगल का कानून नहीं चल सकता। उनका विरोध तरीकों से है। शायद देश की सबसे बड़ी अदालत को इन दलीलों में दम दिखा और नए सिरे से बहस की जरूरत महसूस हुई। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।